असला एमेजोन से पैसे कमाने के आपने काफी ज्यादा तरीके देखे होंगे वीडियोस के अंदर कहा जाता है कि इस बंदे ने जो है ना वो तेरह लाख कमाने शुरू कर दिया इसने पंद्रह लाख कमाने शुरू कर दिया लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें एक कहा जाता है कि भाई आप हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट आए आपको वहां पर सिखाएंगे और आपसे दो तीन लाख रुपया पहले लेंगे फिर आपको सिखाएंगे और वो भी कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम है पता नहीं क्या क्या लेकिन आज ये नहीं होने वाला आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे अमेजोन से पैसे कमा सकते हैं ये एक मुकम्मल कोर्स है जिसको अगर आप देखते और अमल करते हैं तो आप महीने का मैं ये कह सकता हूं कि दो से तीन डॉलर तो घर बैठे कमा लेंगे और बहुत ही आसान काम है मुश्किल नहीं है ठीक है एक एक स्टेप आपको सिखाऊंगा इनशाला इसी वीडियो के अंदर मेरा नाम है काशिफ मजीद चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और अगर आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन अर्निंग करने के पेड कोर्सेज करने हो जिसमें डिफरेंट कोर्सेज है यूट्यूब है यूट्यूब, यूट्यूब शॉर्ट है फाइवर है फेसबुक अर्निंग कोर्स तो यहां पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल रहे हैं यहां पर आप मुझसे कर सकते हैं चलिए बात करते हैं कि एमेजोन से पैसे कमाने के क्या तरीके हैं ठीक है एक एक स्टेप आपका हाथ पकड़ के अकाउंट बनाना सिखाऊंगा एक एक चीज करते हैं ठीक है थीके? आप एमेजोन के प्रोडक्ट्स जो है उनको आ, लोगों के साथ शेयर करके उससे एक अच्छा खासा जो है वो रेफरल ठीक है है ये होता रेफरलिएट मार्केटिंग और ये बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है और ये वो तरीका है जिससे काफी ज्यादा लोग अच्छी अच्छी अर्निंग्स कर भी रहे हैं मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कहां से कैसे शेयर करना है यानी कि व्हाट्सएप में दोस्तों के साथ करना है इधर उधर ऐसा नहीं है ठीक है इसके अलहदा तरीके होते हैं चलिए आ जाइए पीसी पर पहले देखते हैं कि इसका अकाउंट कैसे बनाना है फिर इसको कहां शेयर करना है पेमेंट

इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं जैसे ही हम लोग यहां पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा ठीक है रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स अर्न कमीशन इसमें क्या है कि आपने साइन अप करना है रिकमेंड करना है और आप उससे पैसे कमा सकते हैं ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है भाई एक रुपया नहीं लगाना ठीक है और आसानी से इसमें आप लोग जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपने क्या स्टेप लेना है वो है साइन अप ठीक है यहां से आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे पूछता है कि भाई साइन इन करें यानी कि आप अपना ई डालें और पासवर्ड डालें क्योंकि हमारा अभी अकाउंट नहीं बना हुआ तो हमने यहां पर न्यू टू Amazon लिखा हुआ ठीक है नीचे क्रिएट योर एमेजोन अकाउंट इस पर क्लिक कर देने तो हम लोग सबसे पहले अपना एमेजोन का अकाउंट बनाएंगे फिर हम उसके बाद एमेजोन एफिलियट का अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर मैं अपना सबसे पहले नाम लिख देता हूं ठीक है आ, मैं यहां से काशिफ मजीद कर दूंगा यहां पर आपने अपना ई लिखना है ई और नाम आपने वो लिखना है जो आपका सी एन ए सी पर होता है यानी कि जो ओरिजिनल नाम होता है ठीक है अब ये नहीं है कि काशिफ मजीद चौधरी नहीं लिखना जो ओरिजिनल नेम है जस्ट आपने वही लिखना है उसके बाद जो है वो आपने अपना ईमेल डालना है उसके बाद यहां पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और मिनिमम छह करेक्टर होने चाहिए पासवर्ड के यानी कि छह लफ्जों से ज्यादा का पासवर्ड होना चाहिए आपका इसके बाद हमने क्लिक कर देना है क्रिएट योर एमेजोन अकाउंट तो यहां पर अभी आपका ई वेरीफाई करेगा उस पर एक इन्होंने

तो आपने यहां से अपना नाम लिखना है जो भी नाम आपका ओरिजिनल है जैसे मैं पहले ही बता रहा था सीएनएसी वाला आपने लिखना है तो मैं यहां से अपना नाम लिख देता हूं अब यहां पर नीचे आपका एड्रेस मांग रहा है ठीक है ये जहां पे डॉट है ना रेड कलर का इसका मतलब है कि ये आपने लाजमी चीजें फिल करनी है तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि अपना एड्रेस लिख देता हूं ठीक है एड्रेस के लिए इन्होंने तीन लाइन आपको दी हुई है मतलब अगर आपका फिल नहीं हो रहा फर्स्ट लाइन में एड्रेस तो आप सेकंड में जा सकते हैं अगर वहां भी आपका एड्रेस पूरा नहीं आ रहा तो आप तीसरी में भी लिख सकते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है उसके बाद आपने यहां पर सिटी अपना सिलेक्ट करना है उसके बाद है स्टेट प्रोविंस और रीजन ठीक है तो यहां से आपने अपना स्टेट प्रोविंस सिलेक्ट करने से पहले आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है फिर उस लिहाज से आपको स्टेट या प्रोविंस देगा तो यहां से पहले मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूं यहां पर हमने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया अब यहां पर हम लोग अपना जो प्रोविंस है वो लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ पर पंजाब लिख दिया अब आपने क्या करना है कि सियालकोट में जैसे मैंने यहां पर अपनी लोकेशन डाली है तो मैं उसका पोस्टल कोड यहां पर ऐड कर दूंगा ठीक है उसके बाद फोन नंबर है आपने अपना मोबाइल नंबर यहां पर ऐड करना है मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है हु इज द मेन कॉन्टेक्ट फॉर दिस अकाउंट दी ए लिस्टेड अबव ठीक है समवन एल्स आई नीड टू इंटर देयर uh, इंफॉर्मेशन मतलब आप किसी और की इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं या फिर uh, ये जो सारा uh, जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये इसी का है जो ऊपर uh, जिसका हमने नाम लिखा है तो ये हमारा अपना ही है तो हमने यहां पे ये पहला ही रहने देना दी ए लिस्टेड अबाउट ठीक है उसके बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आती है बारी कि ये आपसे पूछेगा कि भाई अपनी वेबसाइट इंटर करो इंटर योर वेबसाइट ठीक है अब इसका मतलब ये है कि आप यहां पर क्या इंटर कर सकते हैं आप अपना टिकटॉक का अकाउंट इंटर कर दीजिएगा अगर आपका टिकटॉक का अकाउंट बना हुआ है तो वो आपको पता होगा तो कि टिकटॉक डॉट कॉम या वहां की कॉपी कर लीजिएगा प्रोफाइल ठीक है वो लिंक आपने पेस्ट करना है उसके बाद एक होता है यूट्यूब चैनल अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ ज्यादातर लोगों का तो बना होगा अगर नहीं भी बना हुआ तो आप यूट्यूब पे आके लिख सकते हैं हाउ टू क्रिएट ठीक है हाउ टू क्रिएट अब चैनल जैसे आप लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी टॉप पर और बाकी भी यूट्यूबर्स की वीडियोस फिर एक मेरी मोबाइल से भी बनाने की वीडियो है चैनल तो आप अपना चैनल लाजमी बना लीजिएगा और चैनल का लिंक आपने यहां पर पेस्ट करना है तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल काशिफ मजीद का यहां पर कॉपी करते हैं लिंक ये लिंक ऊपर से कॉपी हो जाता है और हम लोग यहां पर पेस्ट कर देंगे ठीक है अब यहां पर आप एक नहीं एक से ज्यादा पचास वेबसाइट तक का ये कह रहे हैं कि आप लिंक डाल सकते हैं वेबसाइट का मतलब यही है कि आप YouTube चैनल जितने भी सोशल मीडिया के लिंक है वो ऐड कर दें तो आप अपने Facebook का लिंक डाल सकते हैं TikTok का डाल सकते हैं YouTube का डाल सकते हैं वेबसाइट अगर आपकी है जैसे मेरी काश्यमजी डॉट कॉम है तो मैं उसका भी लिंक यहां पर ऐड कर देता हूं ठीक है अब यहां से हम लोग उन्हें काश्यमजी डॉट कॉम पे हम जाते हैं और इसका भी हम लोग लिंक ऐड कर देते हैं तो जितने भी आपके पास लिंक्स हो वो आपने यहां पर ऐड कर देने और अगर आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप उसका भी लिंक डाल सकते हैं मेरे पास नहीं है अभी तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं अगर नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है इसमें आप नेक्स्ट कर दीजिएगा यहां पर यह पूछ रहा है आर एनी ऑफ द ट्रैफिक सोर्सेज लिस्टेड अबव डायरेक्टेड फैमिली एट चिल्ड्रन अंडर थर्टीन तो भाई नहीं आ, मतलब तेरह साल से कम बच्चों के लिए तो ये ट्रैफिक नहीं है क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो भाई आपको फिर ज्यादा ये एमेजोन वाले लिफ्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि तेरह साल से कम जो होते हैं लोग वो ज्यादा चीजें खरीदते नहीं है इसलिए हम लोगों ने यहां पर आ, कह देना है नो ठीक है आ, के आर एनी ऑफ द ट्रैफिक सोशल हिस्ट्री बफ डायरेक्टली प्रिवली एट चिल्ड्रन अंडर थर्टीन तो हम नो करके इसको कंफर्म कर देंगे अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप भी हो गया है, सेकंड स्टेप भी हो गया है, अब प्रोफाइल में आते हैं जहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। इसका मतलब यह है कि आपने यहां से अपनी स्टोर की आईडी देनी है आप कोई भी नाम रख सकते हैं जैसे स्टोर का जो नाम होता है जो आप रखना चाहते हैं वो यहां पर रखेंगे तो मैं यहां पर के एम स्टोर कर देता हूं ठीक है और इसमें हम लोग स्पेस नहीं देंगे और यहां पर लिखा हुआ है टेल अस अबाउट द कंटेंट यू क्रिएट मतलब अब चूंकि मैंने यूट्यूब चैनल अपना दिया तो ये कह रहा है कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं तो यहां से आप लोगों ने मैं नाम लिख देता तो, हूं आपने उसको बेशक कॉपी कर लीजिएगा तो यहां पर मैंने लिख दिया आई मेक वीडियोस अबाउट अनबॉक्सिंग गैजेट्स रिव्यूज ठीक है इस तरह की चीजें ताकि इसको लगे कि भाई ये हमारे काम का बंदा है क्योंकि अमेजोन से जाहिर यही चीजें मिलती है तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर कॉन्टेंट आपका कॉन्टेंट जो है उसको ये इनमें से कौन सी चीज बेस्ट डिस्क्राइब करती है कॉन्टेंट और वेबसाइट है कंपैरिजन शॉपिंग इंजन है ठीक है ब्लॉग है तो मैं यहां पर सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूं कि मतलब सर्च से मेरी ट्रैफिक आ रही है हाउ डिड यू हेयर अबाउट आपने हमारे बारे में कहा सुने तो वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हैं किसी बंदे से सुना है ठीक है एमेजोन से सुना है तो मैं वर्ड ऑफ माउथ नहीं ऑनलाइन सर्च कर देता हूं ठीक है उसके बाद आपने यहां पर कैप्चा फिल करना है जो यहां पर कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा फिल करने के बाद आपने यहां पर यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन करना है उसके बाद आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है अब यहां पर आप देखें कि आपके सामने ये एक आपकी आईडी आ गई है आपने इसको कॉपी करके कहीं ना कहीं लाजमी लिख लेना है मैं जैसे नोट पैड ओपन करता हूं और मैं इसको यहां पर सेव कर देता हूं अच्छा एक और चीज है कि ये जो प्रोफाइल है इसके अंदर हो सकता है कि आपसे ये आ, कुछ और भी क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आप अगर एप्लीकेशन डाल देते हैं कुछ और डाल देते हैं तो हो सकता है यहां पे आपके पास ज्यादा क्वेश्चनिंग करें ठीक है और वो भी क्वेश्चन आपने देख लेने उस लिहाज से क्योंकि ये नहीं कहना कि भाई अब मैं फंस गया हूं यहां पर हमारे यहां क्योंकि लोग सिर्फ बहाना देख रहे होते हैं कि यार अगर मैं फंस गया कहीं पर मैं बस जान यार ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहां पर मुश्किल आ गई है या काशी भाई ने यह नहीं बताया था तो अगर मेरे सामने जो आ रहा है मैं वो फिल कर रहा हूं आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स आ जाते हैं तो आप यूट्यूब पे मजीद देख के भी उसको

मैं यहां पर जाता हूं और लिखता हूं एमेजोन अब हमने एमेजोन एफिलियट प्रोग्राम को ओपन नहीं करना हमने सिंपल एमेजोन के ऊपर जाना है ये हमने एमेजोन की वेबसाइट को ओपन कर लिया और यहां पर आप क्या देखेंगे आप यहां पर देखेंगे लॉग इन आपने जो बनाया है सॉरी वो यहां पर आ जाएगा ठीक है अब आपने क्या करना है अब आपकी बारी आती है प्रोडक्ट हंटिंग की अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है मतलब आपने अपना अकाउंट बना लिया है अब है कि आपने एमेजोन से कौन सा प्रोडक्ट लेना है जिसपे आप जो है उसकी सेल्स करवाएंगे तो प्रोडक्ट यहां पर हम लोग अपने लिहाज से ओपन करेंगे जैसे कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं वॉच को ओपन कर लेता हूं अगर आपको जिस भी चीज के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज है आ, जैसे आपका इंटरेस्ट है भाई इसमें ठीक है आ, या आपका इंटरेस्ट जिसमें इसमें हो सकता है आप उस लिहाज से चीजों को ओपन कीजिएगा अब मैं क्या करने वाला हूं मैं यहां से सपोज एक घड़ी लेट्स बेचना चाहता हूं ठीक है अब आपने कोई भी प्रोडक्ट जो सेल करना है मतलब ये आपने खुद घर नहीं भेजना किसी के आपको इसमें से प्रॉफिट मिलेगा और वो सेल करने के तरीके में आपको समझाऊंगा अब आपने

इसकी रेटिंग मुझे अच्छी लग रही है तो सबसे पहले हमने रेटिंग को चेक करने के भाई रेटिंग इस प्रोडक्ट की ठीक है, है? 4.5 है तो यह जो, तो जो प्राइस होनी चाहिए, चाहिए इससे ना ज्यादा महंगा हो ना ज्यादा कम हो नंबर टू चीज भी हमारी फिक्स हो गए, है? उसके बाद हमने जो मेन चीज देखनी है वो इन स्टॉक हो ठीक है ऑर्डर लेफ्ट ठीक है? Order soon. मतलब सिर्फ अठारह बचे हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट आपने चूज नहीं करना क्योंकि अगर आपकी आ, सेल्स अचानक बढ़ जाती है वो मैं तरीके बताऊंगा कैसे होगी सेल्स जब सेल अचानक बढ़ जाएंगी तो यहां से अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आपका बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने इस प्रोडक्ट को तो सिलेक्ट नहीं करना आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है लेट्स सपोज मैं इसको ओपन करता हूं ठीक है और यहां पर हम देखेंगे कि ये इन स्टॉक है ठीक है 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 इन स्टॉक इसका मतलब ये कि हमारे लिए ये बिल्कुल सही है अब लास्ट नंबर पे जो चीज आती है वो ये है कि आपने यहां पर जाना है ठीक है ये आप देख रहे होंगे डिलीवर टू काशिफ चालकोट आपने इसको कैंसिल करके यहां से आपने यूएसए सेलेक्ट करना है आ, शिप टू आपने यूएसए करना है क्योंकि ज्यादातर लोग आपसे यूएसए के लेंगे यूनाइटेड स्टेट्स माइनर आउटलाइंग आइलैंड ठीक है इसको आपने सेलेक्ट करके आपने इसको कंटिन्यू करना है अब आपने देखना है कि भाई ये क्या इन स्टॉक है या नहीं टेम्परली आउट ऑफ स्टॉक ठीक है इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हम सिलेक्ट नहीं कर सकते मैं लेट्स सपोज इसको ओपन कर लेता हूं तो ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई है ये बहुत लाजमी है जैसे करंटली अनबल लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट के लिए अनबल है पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है तो हमने इसको चूज नहीं करना आ, यहां से हम लोग इसी तरह से चार चीजें देखे कोई और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया जो कि इन स्टॉक भी है ठीक है और उसके बाद ये डिलीवर भी हो जाएगा यूएसए के अंदर और उसके बाद इसकी प्राइस भी अच्छी है बाकी इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं तो ये प्रोडक्ट हमने फाइनली सेलेक्ट कर लिया अब हमने क्या करना है अब हमने इस प्रोडक्ट को आगे लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है अब ये लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको होगा कि भाई इसका लिंक हमें कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं लोगों तक कैसे पहुंचाना है वो मैं आपको स्क्रीन के आके सामने जो है वो समझाता हूं फाइनली so, हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया ठीक है अकाउंट भी बना लिया अब हमारी बारी आती है कि भाई हम इन चीजों को बेचेंगे कैसे या कह लें कि इसको हमने प्रमोट कैसे करना है तो मेन जो चीज आती है मैं आपको आगे दोबारा से जाऊंगा स्क्रीन पे और लिंक सारा कुछ बताऊंगा लेकिन इसको सेल करने के लिए पहली चीज आती है आपने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है ठीक है जिस चैनल का आपने लिंक दिया है ना आपने या तो वो बना लेना है या आपने एक एक से सेपरेट इसके लिए प्रॉपर चैनल बना लेना है ठीक है नंबर टू चीज आती है आपने इसका एक टिकटॉक का अकाउंट बनाना है और वहां पर भी आप इसको सेल करेंगे और कैसे करेंगे वो आगे चल के बताऊंगा ठीक है फिर आती है फेसबुक रील्स इंस्टाग्राम ठीक है टिकटॉक है फिर इसके अलावा स्नैक वीडियो है ये जितने प्लेटफॉर्म है जहां पर रील्स बहुत ज्यादा चलती है आपने वो सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना उनपे अकाउंट बना लेने फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दोबारा स्क्रीन पर ठीक है मतलब आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए आपका टिकटॉक अकाउंट होना चाहिए आपका स्नैक वीडियो होना चाहिए उसके अलावा फेसबुक होना चाहिए इंस्टाग्राम होना चाहिए ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग इसको सेल करेंगे ठीक है अब मैं चलता हूं पीसी पर आपको दोबारा से जो है ना आगे का सारा प्रोसीजर समझाता हूं तो ये प्रोडक्ट हमने फाइनली सिलेक्ट कर लिया है अब यहां पर बारी आती है कि भाई इसका लिंक कहां से हम लोग निकालेंगे मतलब इस प्रोडक्ट को अगर हम अगर इस लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका लिंक होना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट मिलेगा और जितना प्रोडक्ट आप सेल करेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको टेन मिलेगा यानी कि अगर आप ये प्रोडक्ट बेचते हैं तकरीबन फिफ्टी डॉलर का है, तो फाइव डॉलर पाकिस्तानी कोई बारह सौ रुपया आपको मिल जाएगा जब कोई भी बंदा ये एक दफा ऑर्डर करता है ठीक है तो इसका लिंक निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जहां पर लिखा हुआ है ना एमेजोन एसोसिएट साइट स्ट्राइप इसके साथ लिखा हुआ गेट लिंक साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको नीचे कॉपी दी जनरेटेड लिंक लिखा हुआ है या फुल लिंक है वो अगर आपने वेबसाइट में कहीं लगाना हो वो लहजा चीज है लेकिन यहां पर जो आपके सामने आ रहा है आपने इसको कॉपी कर लेना है तो ये लिंक है जिसको आप आगे जैसे मैं नोट्स में जाके इसको सेव कर लेता हूं ये हमारा एक

ये सारी पिक्चर है लेकिन नीचे एक आपको वीडियो मिलेगी इस वीडियो को आप ओपन करेंगे ये प्रोडक्ट है ठीक है ये प्रॉपर वीडियो है जिसके ऊपर आपको प्रॉपरली इस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया होगा ठीक है ये 14 स्पोर्ट्स मोड है इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन है और इससे सारा कुछ जो भी काम होते हैं अब ये देखें प्रॉपर अपना बैंड जो है वो प्रॉपर दिखा रहे है। आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को डाउनलोड करना है अब ये वीडियो डाउनलोड करने के लिए एक जो है ना आप यूज कर सकते हैं गूगल पे जाके वीडियो डाउनलोडर्स आप लिख दीजिएगा काफी आपको मिल जाएंगे एमेजोन के या फिर मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूं सबसे आसान हेल है आप यहां पर देख ले सामने कि आपको ये जो एप्लीकेशन है वीडियो डाउनलोडर के नाम से इसका ब्लैक लोगो है आपने इसको जाके अपने एप्पल स्टोर से नहीं अपने जो प्ले स्टोर होता है एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए अपने प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है और आप इस पर जो है वो जब लिंक जो आप जो वीडियो का होगा जैसे यहां पर हम जाते और ये जो वीडियो है सॉरी uh, इसको हम लोग यहां से ऊपर से जो लिंक है कॉपी करके जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो यहां पर देखें हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी ठीक है तो अब आपके पास डाउनलोडेड वीडियो आ गई है और इस वीडियो को आपने क्या कर करना है जो वीडियो आपके पास डाउनलोड हो के आई है या आपको यहां से एक्सटेंशन भी मिल जाएगी क्रोम पे आप वो भी यूज कर सकते हैं ठीक है ठीके? वीडियो को डाउनलोड करना है वीडियो को डाउनलोड करने के बाद अब हमने इसको अपने यूट्यूब पर अपलोड करना है तो जब आपके पास वीडियो डाउनलोड होकर आ जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको यूट्यूब पर अपलोड करना है अब यूट्यूब पे अपलोड करने के दो तरीके एक तो यह आप सिंपल E aí जो आपके पास वीडियो है जैसे ये वीडियो है हमारे पास ठीक है हम इसी को अपलोड कर दें थोड़ा सा एडिट करके एडिट करने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो है ये आई गेस जो है ना वो काफी ज्यादा मिनट की है हमने इतनी नहीं अपलोड करनी हमने मेन मेन जो इसके पार्ट्स होंगे जो जो हमें चाहिए होंगे वो एडिटर से आप एडिट कर लीजिएगा कैप कट है मैंने काफी सिखाए हुए हैं सिंपल आप इसकी एडिटिंग कर लीजिएगा ठीक है वीडियो को डाउनलोड करके इसको एडिट कर लेना अच्छे से या तो आप जब यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड इसको करेंगे तो आपने शॉर्ट का फॉर्मेट सिलेक्ट करके इसको शॉर्ट्स के लिहाज से एडिट करना है अगर आप इसको जो है ना लॉन्ग के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं ये वीडियो लॉन्ग में अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इसको अपलोड कर सकते हैं ठीक है थीके? अब यहां पर देखें मैंने Amazon Gadgets 2023 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये सारे गैजेट्स अब YouTube पे अपलोड हो रहे हैं जैसे न्यू टेक गैजेट्स की बात करते हैं यहां पर क्या है कि यहां पर ये बंदा ये कर रहा है कि ये जो है वो प्रॉपर खुद वीडियो बना रहा है खुद वीडियो बना के उसको नीचे लिंक दिया होगा ठीक है ये अमेजोन के सारे लिंक्स इसने दिए हुए हैं कि भाई ये अमेजोन से आप यहां यहां से ले सकते हैं तो जाहिर है ये जब सेल होती है तो इसको अपना प्रॉफिट मिलता है तो सेम आप कर सकते हैं कि आपने क्या करना है कि आपने यूट्यूब पर आना है ठीक है जो वीडियो आपने एडिट की होगी अब जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जाता हूं तो चैनल को मैंने ओपन कर लिया ये डेमो चैनल है ठीक है आपको दिखाने के लिए जस्ट यहां से आपने अपलोड वीडियो पे जाना है सिलेक्ट करनी है वो फाइल या वो वीडियो जो आपने यहां से डाउनलोड आपने की हुई थी ठीक है अब इसको मैंने अपलोड

तो जैसे ही वीडियो हमारी अपलोड होगी एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा वीडियो के ऊपर ना थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि फॉर बाय चेक कमेंट सेक्शन या इस तरह कहीं पे भी ठीक है अब हम क्या करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में वही लिंक डाल देंगे जो यहां से हमने कॉपी किया था ठीक है डाउनलोड ये वाला लिंक है हमारा इसको हम लिखते हैं बाय नाउ ठीक है और यहां पर ये लिंक डाल देते हैं अब इसका आपको फायदा क्या होने वाला है इसका फायदा ये होगा आपको कि जितने भी लोग आएंगे ठीक है वो क्या करेंगे कि भाई जब आपके यूट्यूब चैनल पे आते हैं जितने भी लोग वो इस वीडियो को देखते हैं और उसको बाय करना चाहेंगे तो डायरेक्टली यहां से डाउनलोड जो लिंक आपके पास होगा यहां से जाके बाय कर सकते हैं ठीक है उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और वीडियो को अपलोड करने का तरीका ये वो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं यूट्यूब से कहीं से भी आप सीख लीजिएगा कि वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं वीडियो को अपलोड करते जाएंगे जितनी भी वीडियोज हैं जैसे कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट आपकी निकालेंगे और उनकी वीडियोज निकाल के एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे सेम वही वीडियो आपने टिकटॉक पर लगानी है और सेम वही वीडियो आप स्नैक पर लगा

State, है? के कोई हमें नहीं दे रहा। तो करेंगे अपनी भरेंगे, है? यहां पर क्या लिखा मैं भर रहा हूं, है? आप इसको देख लीजिएगा प्रॉपरली फिर आप भी अपना टैक्स फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा वट इज यूर टैक्स क्लासिफिकेशन ठीक है इंडिविजुअल करता हूं उसके बाद आर यू यूएस सिटीजन नो करता हूं ठीक है उसके बाद आर यू एक्टिंग एज इंटरमीडिएट एजेंट और दी पर्सन रिसविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ

आपने वो डाल देना नंबर ऐड करने के बाद यहां पर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा कि लोकेशन ऑफ ऑल सर्विस परफॉर्म उट साइड करना हैस के कर रहे हैं। फिर उसके बाद, बाद सिग्नेचर में आपने अपना बार बार मैं कह ताकि आपको याद रहे उसके बाद जो है वो जो भी होगी वो उस लिहाज से टाइम जोन के लिहाज से मोडिफाई कर लेगा से कर देना उसके बाद यह आपके सामने फॉर्म आ गया तो ये जो फॉर्म है वो देख ले वैलिडेट ठीक है आपका फॉर्म जो है वो फिल हो गया सक्सेसफुल मतलब यह आपका अब फॉर्म भर गया अब एग्जिट इंटरव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है जब आप एग्जिट इंटरव्यू कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आपके पास जो है वो पेमेंट का आ जाएगा ठीक है पेमेंट इंफॉर्मेशन में अब हम जाएंगे यानी कि टैक्स इंफॉर्मेशन भर दी अब जितनी भी हमारी जैसे सेल्स होना शुरू पेमेंट्स आएंगी तो यहां से आप चेंज पेमेंट मेथड पे क्लिक कीजिएगा तो ये एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है जिससे आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं एमेजोन से और ये ना कही काश का भाई थोड़ा मुश्किल है मुश्किल होता है हर काम जिसमें रियल अर्निंग होती है रियल में पैसे आते हैं भाई वो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन वो रियलिटी बेस होता है ठीक है तो एमेजोन से पैसे कमाने का ये तरीका है मैंने आपको प्रॉपर सिखा दिया है। अब आपने क्या करना है आपका यह काम है कि आपने इसके ऊपर अमल करना है और आपने इसके ऊपर प्रॉपरली से काम करना है ठीक है आप इसको सीखें मजीद आप इसके ऊपर वीडियोस देखें और आप अमेजोन का अकाउंट बना के उसको प्रॉपरली जैसे हमने इसको सेटअप किया इसके अंदर हमने बैंक डिटेल सारी चीजें डाल दी है, तो ये सारा कुछ होता है तरीकेकार उसके बाद आपने इसको जितना ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं जितने ज्यादा आप इसके ऊपर यूएसए कैनेडा यूके के ट्रैफिक ला जो है वो सेल्स जनरेट करवा सकते हैं उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा साथ ही साथ लास्ट में एक और मैथड ब्लॉगिंग यूट्यूब के अलावा भी है ये है कि आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं जैसे मैं गूगल पे जाके लिख देता हूं अगर बेस्ट गैजेट्स ठीक है तो यहां पर मेरे सामने काफी ज्यादा आ जाएंगे गैजेट्स थर्टी प्लस बेस्ट गैजेट्स ठीक है, अब इन्होंने भी यही किया हुआ कि इन्होंने गो टू एमेजोन लिखा हुआ है तो तो इन्होंने भी अपना रेफरल लिंक डाला हुआ है जब कोई यहां से बाय करेगा तो इनको भी प्रॉफिट होगा तो यह भी तरीका है कि आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं या फिर आसान तरीका है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना के वही वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आने की सुरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही बनता है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मजदीद अगर आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो आप यूट्यूब है फाइवर है यूट्यूब एस यू है यूट्यूब शॉर्ट है इसके अलावा फेसबुक अर्निंग कोर्स है तो यहां पर जो आपको नीचे नंबर मिल रहे हैं यहां पर आप मुझसे से पे रबा कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल अल्लाह हफ्सुना हाँ सिर